हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं कहाँ हूँ बोलिए तो, इस वक्त मैं हूँ बिहार के बांका जिला के ओढ़नी डैम पर। ये ओढ़नी डैम एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट का साथ साथ ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। दूर दूर से यहाँ पर बहुत लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग कोलकाता से ऑल्टो कार लेकर आया हूँ। पीछे देखिए, दूर में खड़ा है हम लोगों का कार। तो हम लोग टोटल 5 जन आए हैं। तो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ओढ़नी डैम, बहुत बड़ा सा डैम है। एक्चुअली फ्रेंड्स, बिहार के बांका जिला में टोटल छोटा बड़ा मिला के 12 ठो लेक है। उनमें से 5 ठो बड़ा लेक और बाकी 7 ठो है छोटा छोटा लेक। तो 5 ठो जो बड़ा लेक है, वो बड़ा लेक में से एक है ये ओढ़नी डैम। देखिए पीछे ले, दूर दूर से कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट का साथ साथ ये बहुत अच्छा एक प्लेस भी है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, हम आपको दिखाएंगे ओढ़नी डैम। ये डैम पर बोटिंग का भी व्यवस्था है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आप ये ओढ़नी डैम कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर आप कैसे घूम सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कहाँ रह सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं ओढ़नी डैम। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओढ़नी डैम। ओढ़नी डैम तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप अगर मेरा चैनल का एक दर्शक है और आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आपने अभी अभी मेरा चैनल का वीडियो देखना शुरू किया है, तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही इस तरह के टूरिस्ट प्लेस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। फ्रेंड्स, ये ओढ़नी डैम में देखने लायक जो जो मेन चीज़ है वो आपको हम बता दें। ये ओढ़नी डैम तो है ही, इसका साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे छोटा छोटा पहाड़ है। वो पहाड़ में आप उठ सकते हैं, उठ के ट्रेकिंग का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पर एक वॉच टावर है और पहाड़ के ऊपर मंदिर है, शिव मंदिर शायद होगा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये ओढ़नी डैम आप कैसे आ सकते हैं ये आपको हम बता दें। ये ओढ़नी डैम दरअसल अगर आप ट्रेन से आए तो यहाँ का नियरेस्ट मेन स्टेशन है वो है भागलपुर। भागलपुर से आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बांका मिल जाएगा। तो भागलपुर से गाड़ी जाता है बांका के लिए, तो वो गाड़ी पकड़ के आप बांका स्टेशन उतर के आप आ सकते हैं ओढ़नी डैम। बांका स्टेशन से ओढ़नी डैम का डिस्टेंस है लगभग 15 किलोमीटर। वैसे भी आप देवघर से भी आ सकते हैं, भागलपुर से प्राइवेट कार बुक करके भी आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है वो है बांका स्टेशन। तो अगर आप कोलकाता से प्राइवेट कार लेके यहाँ पर घूमने के लिए आइएगा तो डिस्टेंस पड़ेगा लगभग 350 किलोमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कहाँ रह सकते हैं ये चीज़ के बारे में मैं आप बता दूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, रहने के लिए तो बांका जो सिटी है, बांका सिटी के आसपास में आपको होटल्स मिल जाएगा। लगभग 2000 से लेकर 2500 के अंदर में आपको रूम मिल जाएगा।
वहाँ पर रह सकते हैं, खाना पीना सब वहीं कर सकते हैं। और करके यहाँ का जो मेन मेन टूरिस्ट प्लेस है वो है ओढ़नी डैम, और चार पांच बड़ा बड़ा डैम है, वो डैम देख सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट और एक बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है वो है मंदार हिल, वो भी आप देख सकते हैं प्राइवेट कार बुक करके। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ ओढ़नी डैम। तो फ्रेंड्स ये रहे वो वॉच टावर, देखिए काफ़ी लंबा है। और इस तरफ देखिए ये जो पहाड़ है छोटा छोटा, इस पहाड़ के ऊपर में आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। और ये जो बाकी जगह यहाँ पर है ये सब पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर पिकनिक होता है, दूर दूर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पिकनिक करने के लिए। तो चलिए आपको हम वॉच टावर के ऊपर में लेके चलते हैं और उसके ऊपर से वो डैम का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वक्त में ओढ़नी डैम के पास में जो वॉच टावर है उस वॉच टावर के ऊपर में हम आए हैं। तो ये उस वॉच टावर के ऊपर के जो इस वॉच टावर के ऊपर से ओढ़नी डैम का जो चारों तरफ का नज़ारा है वो नज़ारा का आपको हम दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स ये ओढ़नी डैम में बोटिंग का भी व्यवस्था है, तो चलिए उस जगह पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स इस वक्त ओढ़नी डैम में बोर्डिंग बंद है, कोई कारण से बंद रहा होगा, तो हम लोग तो बोर्डिंग करने नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो बोर्डिंग चालू रहेगा, आप बोर्डिंग का मज़ा ले पाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा जानकारी करके हमने पता किया है बोर्डिंग का जो चार्ज है, स्पीड बोट चलता है 100 रुपये पर पर्सन। तो फ्रेंड्स ये ओढ़नी डैम देखना हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।